दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे बता सकते हैं कि अगली वीडियो आप किस पर देखना चाहेंगे। दीपक निवास हुड्डा प्रो कबड्डी के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में खुद को संभालते हुए अपने आप को कबड्डी की दुनिया में साबित किया है। दोस्तों दीपक जब 4 साल के थे तभी उन्होंने अपनी माँ को खो दिया और बचपन से ही घर का काफ़ी बोझ उन पर आ गया था। वे अपने पिता के साथ खेत में काम करते थे और साथ ही स्कूल की पढ़ाई भी कर रहे थे और जब भी मौका मिलता था वे जमकर कबड्डी खेलते थे। दोस्तों जब दीपक 12 साल के थे तभी उनके पिता का भी स्वर्गवास हो गया और दीपक अंदर तक टूट गए थे और इसी के चलते उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर परिवार को सपोर्ट करने के लिए एक पार्ट टाइम नौकरी कर ली। 2 साल तक नौकरी करने के बाद उन्होंने अपने जुनून यानी कबड्डी में अपने कैरियर बनाने के लिए कुछ खास कदम उठाए। कॉलेज की पढ़ाई के ही दौरान नेशनल यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट हुए और दीपक ने अपने कॉलेज की टीम से कबड्डी में भाग लिया। अपने ज़बरदस्त कबड्डी के प्रदर्शन से दीपक ने अपनी टीम को गोल्ड मेडल जिताया और दोस्तों इसी के बाद दीपक ने अपनी पढ़ाई पूरी तरह से छोड़ दी और जी जान से कबड्डी खेलते रहे। दोस्तों अपने बेहतरीन प्रदर्शन के चलते उन्हें हरियाणा की टीम में शामिल कर लिया गया और सन 2014 में पटना में हुए नेशनल लेवल कबड्डी चैंपियनशिप में उन्होंने एक बार फिर गोल्ड मेडल जीता। दोस्तों इसी साल से वे प्रो कबड्डी से भी जुड़ गए और प्रो कबड्डी में भी वे अब तक सारे सीजन मिलाकर 73 मैच खेल चुके हैं और 507 पॉइंट भी ले चुके हैं। दोस्तों अपनी मजबूत पकड़ और जबरदस्त रीडिंग क्षमता की बदौलत उन्हें कबड्डी की राष्ट्रीय टीम में भी शामिल किया गया और सन 2016 में हुए साउथ एशियन गेम्स में उन्होंने टीम इंडिया को गोल्ड मेडल जिताने में काफ़ी मदद की। दोस्तों बचपन से ही मुश्किलों का सामना कर रहे दीपक निवास हुड्डा आज कबड्डी की दुनिया में कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह छोटी सी बायोग्राफी जरूर पसंद आई होगी और आप इसे जरूर लाइक करेंगे। ऐसी ही और भी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।